नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी को नमस्कार। आज फिर मैं आप सभी के बीच कुछ प्यारा सा नजराना लेकर आया हूँ। आज बात की जाएगी एक मोटिवेशनल थॉट्स की। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में, भारत देश में सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो फ्री में मिलती है, उसका नाम है राय, मशवरा। लेकिन ये सभी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम उसे लेना चाहते हैं या नहीं। हमें हर कोई एक राय देकर चले जाता है, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी जानी कभी पहचानी, और हम सभी उसके बारे में एक बार सोचते ज़रूर हैं। हम उस पर अमल करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन हम उसे सोचने पर मजबूर जरूर होते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से किसी ना किसी कारण से जुड़ जाते हैं। इसी वजह से हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए बहुत थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। तो हम सभी को अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए कि जब हम मरें तो ये पूरी दुनिया रोए और हम जश्न मनाएं। दोस्तों, अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम इस जीवन में जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन हम उस दुनिया के लिए कुछ कर नहीं पाते कि हमारे मरने के बाद चार लोग भी ऐसे हों जो आंसू बहा सकें। मरने के बाद एक अपना ही हमारी चिता को आग लगा देता है, तो वो प्यार कहाँ? लव इज नथिंग बट लव इज एवरीथिंग। इट्स डिपेंड ऑन यू कि व्हाट यू वांट। ये सब चीजें आपके ऊपर जरूरी है। अगर आप कुछ नहीं कर पाए दूसरों के लिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई आपको याद नहीं करेगा, कोई आपको प्यार नहीं करेगा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता ठीक है। अपने रास्ते आप खुद चुने, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मेरे प्यारे साथियों, व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में वही करना चाहिए जो वो करना चाहता है। अक्सर घर वालों की बातों में आकर या यार दोस्तों की बातों में आकर हम ऐसे कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें सीखने में लग जाते हैं जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ दिखावे के कारण हम उस चीज़ से जुड़ जाते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है और 2 साल 3 साल 2 महीने 4 महीने बाद हम लोग सोचते हैं कि हमने ऐसा अपना समय व्यर्थ कर दिया, खराब कर दिया, अगर हम ऐसा कर लेते तो ऐसा होता और ऐसा कर लेते तो वैसा होता। मुझे इस दुनिया में आज तक एक ऐसा शख्स नहीं मिला जो शीशे के सामने बैठकर रोकर दिखा दे और कहे कि मुझसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। हम इस दुनिया के सामने रो सकते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन हम अपनी आंखों से नजरें नहीं मिला सकते और ना ही शीशे के सामने बैठकर अपनी आंखों में आंखें डालकर रो सकते हैं, क्योंकि हमारे रोने का सबसे बड़ा कारण हम खुद होते हैं। मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आती कि किस तरह से हमारा जो दिल है वो इतना कमजोर हो जाता है कि कोई यूं ही दुखाकर चला जाता है। दिल हमेशा उस पत्थर की तरह रखो कि यूं ही राह चलने वाला कोई उसे दुखा ना सके। इस दुनिया में असंभव तो कुछ भी नहीं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी सोचा नहीं। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते, जिनके कारण हमारा मन नहीं लगता, जिनके कारण हम कुछ कर नहीं सकते, जिनके कारण हमें बेचैनी होती है, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं, क्योंकि आपको भी उस दिन उतना ही समय मिलता है
जितना समय महान व सफल लोगों को मिलता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो 24 घंटे सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो 24 घंटे सभी के लिए हैं। कुछ लोग सोचने में व्यर्थ कर देते हैं और कुछ लोग करने में व्यर्थ हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां भी हमारा भाग्य लिख देती हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमसे पहले हमारी हैं, वो हम ही के अंदर है, जो हमें आंखें बंद करने पर सोचने पर मजबूर करती हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं हमेशा सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। अगर आपका मन करता है खाना बनाने का, आपके अंदर एक ऐसी खूबी है जो खाने से जुड़ी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि आप फास्ट फूड का बिजनेस करें। यह एक अलग बात है कि आप होटल से स्टार्ट करते हैं, रेस्टोरेंट से स्टार्ट करते हैं, किसी रेडी से स्टार्ट करते हैं। आपके जज्बे को सलाम होना चाहिए करने वाले की नीयत और उसकी मेहनत पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बहुत से बच्चे बोलने चालने व्यवहार में ठीक होते हैं, लेकिन उनके घर वाले उन्हें जबरदस्ती कहते हैं कि तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, लेकिन उनका मन होता नहीं है, फिर उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। कभी भी हमें अपने ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर या अपने मिलने जुलने वालों के ऊपर कोई भी चीज थोपनी नहीं चाहिए। हमें इसलिए नहीं थोपनी चाहिए क्योंकि जो चीज जबरदस्ती की होती है वो चीज ज्यादा दिन तक नहीं होती। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर छुपी होती है, हमें सिर्फ जरूरत होती है उस बच्चे की प्रतिभा को निखारने की। हम अपने बच्चों को जरा सी शरारत करने पर एक मिनट लगाते हैं उसे कहने में कि तू शैतान है, बेवकूफ है, तू इतनी शरारतें करता है, वो देख वो कितना पढ़ता है, उसको सब कुछ आती है, उसको पोएम आती है, उसको टेबल आती है, उसको ये आता है वो आता है, लेकिन हम अपने बच्चे को हमेशा कोसते रहते हैं। ऐसा क्यों? हमें अपने बच्चे का साथ देना होता है क्योंकि बच्चा बहुत अच्छे मन के कारण हमसे जुड़ा हुआ होता है। अगर कोई बच्चा अपने मम्मी या पापा से अचानक से ये कह दे कि पापा तुम अच्छे नहीं हो, मम्मी तुम अच्छी नहीं हो, उसकी मम्मी तो ऐसे प्यार करती है, उसकी मम्मी तो वैसे प्यार करती है, उसकी मम्मी तो ये करती है वो करती है, तो आपको कैसा फील होगा? आप उसे सोचने पर मजबूर होंगे ना। इसी तरह वो बच्चा अभी छोटा है, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। बच्चों के ऊपर कभी प्रेशर मत डालें, उन्हें हंसते खेलने दें। बच्चे को अपने अंदर की प्रतिभा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने दें। आप कुछ ही दिनों में खुद ही जानेंगे कि ये बच्चा चाहता क्या है, किस मुकाम पर पहुंचना चाहता है। हमेशा बच्चों को साथ दें, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा सभी को प्यार करते रहें। जिंदगी बहुत छोटी है, लाइफ इज अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड। भगवान ने एक छोटा सा जीवन दिया है, इसको मुस्कुराते ही हुए जिए। अक्सर आपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे आते हुए देखा होगा कि एक जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, आइसक्रीम की तरह है, पिघलना जरूरी है, चाहे इसे हंसकर बिता लें चाहे आप इसे रोकर बिता लें, लेकिन बीतना बहुत जरूरी है, तो क्यों ना हंसकर ही बिता लें। हमेशा प्यार करें, खुलकर प्यार करें और हमेशा दूसरों की कदर करें, सम्मान की कदर करें। जीना जीना बहुत जरूरी है, लेकिन मुस्कुराते हुए जीना ही जरूरी है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, फिर मिलेंगे।